हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यार एग्जाम लास्ट वाले मैथ्स वीडियो में गाइस हम लोग सर्कल में सारी डेफिनेशंस हम लोग ने कर ली थी और आज से हम लोग थ्योरम शुरू करने वाले हैं। तो आज पहले हम लोग पहली थ्योरम से शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब गाइस मैं आपको सबसे पहले पहली थ्योरम बताने वाला हूँ, थ्योरम वन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस थ्योरम्स, अगर आप नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा थ्योरम। तो सबसे पहले थ्योरम है क्या, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। Equal chord of a circle subtend equal angle at the center। अब इसका मतलब क्या है गाइस, इक्वल जो कॉर्ड्स होती है सर्किल में, जो कॉर्ड्स इक्वल होती है वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती है। मतलब मैं आपको फिगर बना दूं, सबसे पहले एक सर्किल का ये है सर्किल और ये कॉर्ड्स होती है, आपको पता ही होगा, ये एक जैसे ये एक कॉर्ड हो गई ए बी कॉर्ड हो गई, और यहां से भी एक बना देते सी डी, और ये सी और ये डी एक कॉर्ड हो गई, ओके। और ये इसका ये सर्किल का सेंटर है, ओके, ये सही सर्किल का सेंटर है। अब ऑफ अ सर्किल इक्वल एंगल, सबसे पहले हम लोग यहाँ एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ओके, ये ट्राइंगल बना दे जो सेंटर में मिलेगा, ऐसे भी इस वाली कॉर्ड पे भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, रुकिए, कॉर्ड पे भी हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो भाई, दो ट्राइंगल सर्किल में बन गए। अब देखिए ये कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड, ये जो ए बी कॉर्ड सी डी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों कॉर्ड है तो दोनों बराबर है। अब क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाले होंगे, मतलब जो ये इसको एंगल ए मान लेते और इसको एंगल बी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, क्योंकि अब हम रीजन, क्योंकि कॉर्ड ऑफ अ सर्किल किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये रीजन। ये मतलब एंगल, क्योंकि ये देखिए सेंटर में ये दोनों एंगल्स बना रहे हैं और कॉर्ड दोनों की, और ए बी और सी डी कॉर्ड दोनों सेम है, तो इक्वल एंगल सेंटर पे बना देंगे, ओके, समझ। अब मैं इसकी प्रूविंग करता हूँ, ये होता कैसे है कि मतलब ये आया कैसे कि सबटेंड इक्वल एंगल्स कैसे करते हैं, ये तो मैंने आपको तुक्के में बता दिया, अब ये आया कैसे, प्रूविंग भी आएगी, प्रूविंग जरूर आएगी गाइस, ओके। अब मैं आपको पहले इस थ्योरम की प्रूविंग बताता हूँ, अब मैं इसकी प्रूविंग करता हूँ गाइस। सबसे पहले इसकी प्रूविंग करना है, इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूविंग में हमेशा इस तरीके से लिखे, पहले गिवन लिखेंगे, मतलब इसमें हमें थ्योरम में गिवन क्या चीज़ है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, क्योंकि हमें पता है बोथ कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब ये ए बी और सी डी इक्वल है, बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स वो होती है गाइस, वीडियो देख लीजिएगा पुराना वाला, कॉर्ड्स जो दोनों बाउंड्रीज को एक साथ मिलाती है सर्किल की, बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब जो दोनों कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी के दूसरे के बराबर है, ये गिवन है हमें, ओके। अब हमें करना है टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि कैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमें एंगल ए को एंगल बी प्रूफ करना है, ओके, मतलब ये जो एंगल सब सेंटर पे जो बन रहा है वो इक्वल कहा जा रहा है, अब ये कैसा कैसे है, तो हमें इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ओके। अब प्रूफ मतलब कि सॉल्यूशन, प्रूफ लिखेंगे हम लोग, प्रूफ होगा, सबसे पहले हम लोग दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, मतलब ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल AOB और ये वाला ट्रायंगल DOC, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए। अब इनमें हमें फिर सिमिलर चीज करनी है कि कौन सी चीज सेम होगी। अब सबसे पहले देखा जाए OC, जो ये है OC और OB बराबर होगा, अब आप सोचेंगे क्यों,
देखिए गाइस, अगर जैसे फिर सर्किल है, सेंटर है, तो ये देखिए, ओ ये हमारी ओसी और ओबी है ना, अगर हम लोग इसको अलग से देखें तो ये ओसी और ओबी है, तो दोनों रेडियस है ना गाइस। ये देखिए, सेंटर से अगर कोई भी लाइन बाउंड्री को सर्किल के टच करे वो रेडियस होती है, तो ये भी रेडियस है और ये भी बाउंड्री को, तो दोनों रेडियस। तो रेडियस तो सर्किल्स में जितनी भी है सारी इक्वल होती हैं, तो रेडियस सारी इक्वल्स होती है, तो इसी रीजन से ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी ही, क्योंकि वो रेडियाई है, तो हम लोग लिख देंगे रेडियाई, रेडियस नहीं रेडियाई। ओके, इस तरीके ओ सी और ओ बी हमें तीन ढूंढने पड़ते हैं। तो अब इस तरीके से देखिए, अब ओ डी, अब हमारा ओ डी और ओ ए भी तो हो सकता है, देखो अब ओ डी और ओ ए भी तो हो सकता है, ओ डी और ओ ए, ये देखिए ये हमारा ओ डी है और ये ओ है, तो ये भी तो हो सकता है वैसे रेडियस के तरीके से, ये तो वैसे ये भी तो हो सकता है, तो ओ डी दो, ये भी रेडियस है, तो ओ डी इज इक्वल टू ए, ओ ए रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस है, रेडियस सारे इक्वल होते हैं। ओके, अब हमें एक और ढूंढना है। अब ए बी, जो ये ए बी है ट्राइंगल में और डी सी, अब ये तो गिवेन ही है ना, ये कॉर्ड है और इनके डिस्टेंस सेम है, तो गिवेन है ये, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, गिवेन, तीन मिल गए गाइस। अब देखो, हमें तीनों नो साइड्स मिली है, ओ सी भी साइड है, ये भी साइड है, तीनों, तो हमारा इधर देखिए गाइस, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी इज परपेंडिकुलर, इसका साइन ये होता है, ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी बाय एस एस एस, मतलब साइड 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 के रूल से। अब इसी तरह एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी बाय सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अब अगर मतलब अगर प्रॉपर्टी लग जाए, अगर परपेंडिकुलर हो जाए, तो सारे साइड सारे एंगल सेम ही हो जाते, पता ही हो। ओके, अब इतना समझ गए। अब मैं इसके बेस आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ओके, अब देखो गाइस, एक क्वेश्चन है कि ये एंगल भी 70 और ये एंगल भी 70 है, तो हमें एंगल 1 और एंगल 2 निकालना है। अब 70 ये पूरा ट्राइंगल है ना गाइस, जैसे ए बी और ओ ये ट्राइंगल है, तो पूरा 180 होता है, तो 70 प्लस 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 140, तो एंगल 1 हो जाएगा हमारा 180 माइनस 140 40। अब एंगल 1 है तो एंगल 2 भी 140 हो जाएगा, क्यों? कॉर्ड्स देखिए, कॉर्ड्स इक्वल दी गई है इस तरीके से, ए मतलब कि ए बी और सी डी इक्वल दिया है, तो कॉर्ड्स इक्वल है, थ्योरम, तो कॉर्ड्स इक्वल, तो सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो भी इक्वल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, इस तरीके क्वेश्चन है। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये दोनों कॉर्ड सेम है, अब हमें इसमें जो ये है वाई एंगल है 90 डिग्री दिया है, हमें एक्स जेड और एंगल 2 निकालना है। अब सबसे पहले गाइस ये देखिए, सबसे पहले हम लोग एंगल 2 निकाल लेते हैं, ये देखिए। अब देखो गाइस, कॉर्ड चाहे सामने हो चाहे इधर हो, अगर दोनों सेम है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड सेम है, तो फौरन जो एंगल 2 हो, एंगल जो एंगल बनेगा सेंटर पर, वो भी सेम हो जाएगा, तो एंगल 2 भी हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है। अब एक्स और जेड कैसे निकालेंगे? अब देखिए, ए बी और वाई हमारा एक ट्राइंगल है। अब ये ए ओ बी, ए ओ बी मान लेते हैं, ए ओ बी एक ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री। अब गाइस ये देखिए, ये वाली मतलब ओ ए, जो ये हमारी ओ ए है, वो ओ बी दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों एंगल सेम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों की लेंथ भी सेम होगी होगी, और दोनों क्योंकि रेडियस है ना, ये देखिए, ये दोनों सेंट बाउंड्री को जोड़ने हैं, सेंटर और बाउंड्री जोड़ने, तो ये रेडियस है, तो दोनों का एंगल हमेशा सेम होगा गाइस, तो ये बहुत ईजी है, तो एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको स्मॉल ए मान लेते हैं, तो ए प्लस ए दोनों इक्वल होगा, तो 2a 90 प्लस 2a इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, तो हमारा ए आ जाएगा 45, तो हमारा एंगल एक्स भी 45 आ जाएगा और जेड भी सेम होगा, तो वो भी 45 आ जाएगा। ओके गाइस, समझ गए कोई वाला क्वेश्चन? अब गाइस लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये 30 दिया गया है, तो ये भी 30 होगा। अब देखिए, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल है, ये वाली कॉर्ड और ये वाली इक्वल है। अब गाइस हमें इसमें एंगल 2 और एंगल 3 निकालना है। अब ये कैसे,
अब ये 60 है, ये कॉर्ड ये दोनों इक्वल है, तो एंगल 2 भी 60 आ जाएगा भाई थ्योरम से। एंगल अब ये एंगल 3 कैसे निकालेंगे, अब देखिए गाइस ये और ये वाला सेम है क्योंकि दोनों के कॉर्ड सेम है, तो ये वाला जो एंगल है वो भी 30 डिग्री होगा। अब ये बताओ ये वाला एंगल और ये वाला तो सेम होता है, तो अगर ये 30 प्लस 2x कर ले, दोनों को x मान ले, तो ये 180 के बराबर होगा, तो 2x हमारा आ जाएगा आएगा 50 के बराबर, 150 के बराबर, और तो 2x इज इक्वल टू 150, तो x हमारा आ जाए आएगा 2 5 40 2 5 75, तो हमारा एंगल 3 आ जाएगा 75 डिग्री। ओके गाइस समझ गए, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आज वीडियो यही एंड करता हूँ। हम लोगों ने काफ़ी पहली थ्योरम पढ़ी है और फिर उससे क्वेश्चंस करें, फिर काफ़ी क्वेश्चंस और हैं लेकिन मैं वो आगे बताऊंगा। तो मैं आज वीडियो यही एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज को वीडियो यही एंड करता हूँ, पसंद आया लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ वहाँ से अगली वीडियो में, तब तक ले।